Hi, this is your captain. I hope you're enjoying yourself aboard the Bolivia Express, only on the Global Menu. तो चलिए अब अगली डिश की बात करते हैं. अगली डिश जो है उसके साथ कहानी वहानी कुछ जुड़ी नहीं हुई, लेकिन एक इमोशन जुड़ा हुआ है. दैट इमोशन ऑफ ईटिंग टुगेदर, स्पेशली दो संडे लंचेस. संडे लंचेस में बोलिविया में घरों में एक डिश बनती है विच इज ऑल्सो द नेशनल डिश ऑफ बोलिविया. इट्स कॉल्ड पोयो पिकांते, मतलब स्पाइसी चिकन. देखिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मुश्किल काम हम करते नहीं, आपको पता ही है. चिकन में थोड़ा सा कट लगा लेते हैं, स्लाइट कट. वी मैरिनेट द चिकन इन सम सॉल्ट एंड सियर इट. चिकन लेग यहां पे इसलिए यूज होती है बिकॉज चिकन लेग स्टूज रियली वेल, एज इन इफ यू हैव टू कुक समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, चिकन लेग इज अ गुड कट इफ यू यूजिंग चिकन. देखिए जो भी कहिए, अगर आप जिस पैन में पका रहे हैं दैट्स थिक बॉटम्ड, तो आप इमेजिन कर सकते हैं नीचे कितना बढ़िया कारमलाइजेशन हो रहा है, कितना अच्छा सा रंग आ रहा है. वरना अगर थिन बॉटम पैन होता है ना, तो एकदम से आप चिकन डालते हैं और पैन ठंडा हो जाता है, ना कलर आता है ना मज़ा आता है. तो जी ये आ गए हमारे मनोहर. इसको मनोहर क्यों कहते हैं, मैंने बताया आपको? नहीं बताया, चलिए बता देते हैं भाई. इसको मनोहर इसलिए कहते हैं क्योंकि सन 2002 में जब मैं नोएडा में एग्जीक्यूटिव शेफ था, मेरी टीम में एक लड़का था मनोहर सिंह, और वो चाइनीज़ में भी काम करता था, इटालियन में भी काम करता था, जापानीज़, जिस भी सेक्शन में आप खड़ा करते हैं बहुत अच्छा काम करता था, उसका नाम मनोहर था. और ये जो टोंग है ना, इसका भी आप किसी भी तरह इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप चम्मच की तरह इस्तेमाल कीजिए, कड़छी की तरह, टोंग की तरह, पलटे की तरह. तो ये मनोहर, तो इसका नाम हमने रख दिया मनोहर. और कई बार ऐसा होता था किचन बहुत बिजी होता था और मैं बोलता था मनोहर, तो लोग जो है मनोहर देने की बजाय मनोहर को दूसरे किचन से बुला के ले आते. क्या बात, लुक एट द नाइस कलर. पंजाबी में एक कहावत है कि भाई नजारा ही आ गया, मतलब भगवान मिल गए हो ऐसा लगता है जब मीट पे अच्छा कलर आता है. Lovely. Let's put it on the side. Now in the same hot oil, let us add some onions. देखिए इस डिश में बहुत सारा अनियन डालना बहुत अनिवार्य है बिकॉज अनियन इज वॉट गिव्स दिस डिश इट्स कंसिस्टेंसी, इट्स कलर एंड कैरेक्टर. जैसे हम हिंदुस्तानी खाने में इसको अच्छे से ब्राउन करते हैं, यहां पर भी इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे. अनियन पे बढ़िया सा कलर आता हुआ दिख रहा है. यहाँ पे हमने जीरे का पेस्ट किया हुआ है गार्लिक के साथ. टेक 1/3 क्यूमिन एंड 2/3 ऑफ गार्लिक, मेक अ पेस्ट. हियर गोज दैट पेस्ट. इट्स अ वेरी फेमिलियर स्मेल, बहुत बहुत जानी पहचानी खुशबू है क्योंकि इसमें अनियन है, गार्लिक है और जीरा है. और हमारे तड़के में क्या पड़ता है, पहले तेल में जीरा, फिर गार्लिक, फिर अनियन. फील्स लाइक होम. लवली. तो चलिए अब एक कैसरोल को करते हैं आगे. और इस कैसरोल में पूरा मसाला कर लेते हैं शिफ्ट. देखिए मैं कैसरोल को इसलिए आगे कर रहा हूं बिकॉज ये जो पैन है इसका मैं इस्तेमाल करूंगा. किस चीज के लिए करूंगा, आई विल टेल यू. ये हमारा टोमेटो पेस्ट, आही पेपर, येलो चिली पेस्ट. अगर येलो चिली पेस्ट नहीं मिलता तो टेक सम येलो बेल पेपर्स एंड मिक्स सम मिर्च का अचार एंड ब्लेंड इट टुगेदर. यू विल एटलीस्ट गेट समवेयर क्लोज. और साथ में रेड पेपर का पेस्ट, इसको भून लेते हैं अच्छे से. लेट्स ऐड सम सॉल्ट. लेट्स ऐड सम वाटर एंड नाउ Let's add our chicken. Close the lid. दूसरी तरफ आपको एक इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट दिखाता हूं. ये देखिए, इसे कहते हैं चुन्यो. चुन्यो यानी कि ड्राइड पोटेटो. और पुराने समय में ऐसा होता था कि अक्सर पूरी फसल आलूओं की नष्ट हो जाती थी. और क्योंकि ये प्राइमरी फूड था इसलिए लोग इसको बचाने के लिए ड्राई कर लेते थे.
और ड्राई भी कैसे करते थे कि बिल्कुल ग्लेशियर जहां पे बह के निकलता है वहां पर नदी के अंदर बोरों में भर के आलू डाल देते थे, उससे आलू का पानी जो है वो बर्फ बन के निकल जाता था, और उसके बाद आलुओं को काट के या तोड़ के और पहाड़ियों के ऊपर सुखा लेते थे. दैट वॉज अ गुड रिसोर्सफुल वे ऑफ सेविंग फॉर द बैड डेज, और आज वो एक डेलिकेसी बन चुकी है. एज यू कैन सी दे आर हार्ड एज स्टोन, बिल्कुल पत्थर की तरह कड़क हैं, ड्राई हो चुके हैं, और इसके बाद इनको हमने ओवरनाइट सोक किया है पानी में. दिस इज हाउ दे बिकम व्हेन दे आर सोक्ड. एंड देन वी हैव बॉइल्ड देम, और बॉइल करने के बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं. वेरी वेरी फैसिनेटिंग इंग्रेडिएंट इज़न्ट इट. ऑलराइट, इन अ पैन लेट्स पुट सम ऑयल, और हम बनाते हैं इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग अकम्पनीमेंट. ऑयल में डालते हैं चुन्नियो, सम टोमेटोस, नाइस. सो वी सॉर्टेड द पोटेटोज एंड द टोमेटोज टुगेदर, और इसमें हम डालेंगे अंडे, एक, दो, तीन, थोड़ा नमक, एंड वील सॉटे टू मेक लाइक स्क्रैम्बल्ड एग्स. सो स्क्रैम्बल्ड एग विद डाइस्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड ड्राइड पोटेटोज इज अ क्लासिक अकम्पनीमेंट टू दिस डिश. चलिए, द स्क्रैम्बल्ड एग इज ऑल्सो रेडी. गैस करते हैं बंद, एंड लेट्स लुक एट व्हाट्स गोइंग ऑन विद आवर चिकन. नाइस, दिस लुक्स ग्रेट. अब मनोहर का इस्तेमाल करते हैं, देखिए लेडल की तरह. ये देखिए मनोहर के मल्टीपल यूजेस हैं. दिस इज ऑलमोस्ट डन. लगभग 20 से 25 मिनट चिकन लेगा, और 20-25 मिनट के बाद चिकन तैयार, स्क्रैम्बल्ड एग तैयार, संडे लंच तैयार. The smell quite reminds me of our chicken curry. मतलब एक जीरा चिकन जो बनता है टमाटर और जीरे के साथ, the smell quite reminds me of that. The only thing is it's a little spicy because ahi pepper is very spicy. और अगर आप चाहें तो और spicy बना सकते हैं, red chili paste डाल सकते हैं. फिलहाल हमारा scrambled egg भी तैयार है with chunnyos, our dried potatoes. क्या बात है, द चिकन इज रेडी. इसके ऊपर रंग के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए थोड़े मटर, और थोड़ी होम स्टाइल फीलिंग के लिए भी, राइट. साथ में ये एक स्पाइसी फर्मेंटेड टोमेटो साल्सा, और साथ में राइस. दिस इज व्हाट अ कंप्लीट मील लुक्स लाइक. स्मेल्स लाइक संडे लंच. फॉर अ स्लाइस ऑफ बोलिविया इन योर संडे लंच, डू ट्राई द रेसिपी. पिकांता दे पोयो बनाने की विधि. चिकन ड्रम स्टिक्स में हल्के कट्स करके सॉल्ट स्प्रिंकल करें. गरम तेल में चिकन को दोनों तरफ से कैरामलाइज करें. पैन में बारीक कटे प्याज को फ्राई करके डालें जीरा लहसुन का पेस्ट और सॉटे करें. अनियन मिक्स को कैसरोल में ट्रांसफर करके डालें टोमेटो पेस्ट, आही अमारियो चिली पेस्ट, रेड पेपर पेस्ट, नमक, पानी और फ्राई करें. कैरामलाइज्ड चिकन ड्रम स्टिक्स को ऐड करें और 20 से 25 मिनट तक कुक करें. अंत में डालें उबले हरे मटर. स्क्रैम्बल्ड एग्स के लिए चुनियो को ओवरनाइट पानी में सोक करें और सॉफ्ट होने तक बॉईल करें. पैन में ऑयल गरम करके डालें चुनियो, टमाटर, अंडे, नमक और भुर्जी की तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें. स्क्रैम्बल्ड एग को बोल में निकालकर ऑरेंज चेडर मिक्स करें. पिकांता दे पोयो को स्पाइसी फर्मेंटेड साल्सा, चुनियो स्क्रैम्बल्ड एग्स और स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करें. पिकांता दे पोयो तैयार है.